मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे टैगविन दवाई के बारे में। ट्रॉपिकल एग्रोसाइंस की बहुत जबरदस्त दवाई है टैगविन के नाम से। इसके बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, साथ ही साथ में ये भी बताएंगे कि दवाई आपको कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है, इसका टेक्निकल नाम भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इसकी क्या मात्रा यानी कि क्या डोज, कितने ml, कितने लीटर पानी में आपको ये दवाई मिलानी है और इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए ज्यादा जानकारी के लिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ये दवाई आपको मुख्य रूप से धान की फसल में ही उपयोग में लेनी है, जिसको कि हम गर्डा भी बोलते हैं, पैडी इंग्लिश में बोलते हैं। पैडी की फसल में ही आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है। ये एक खरपतवार नाशक दवाई है और ये तमाम तरह के चौड़ी पत्ती के जो कचरे होते हैं, मुख्य रूप से मोथा, मिर्च बूटी, धान घास, पान पत्ता, चार पत्ती वाले खरपतवार और तमाम तरह के जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं जो स्क्रीन पर हमने बता रखे हैं, उन सबको ये नष्ट करती है। उन सब पर बहुत ही अच्छा इसका परिणाम आता है और अगर आप इसको 2,4-D के साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन में छिड़कते हैं तो ये करीब करीब तमाम तरह के कचरों को नष्ट कर देते हैं, केवल धान को ही रखते हैं फसल में। और ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत कारगर और इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन में ही देखने को मिल जाता है और असर भी इसका लंबा बना रहता है। बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC इसका टेक्निकल नाम है। और अगर इसके डोज के बारे में बताएं तो अगर आप इसको सिंगल कर रहे हैं तो 20 ml प्रति टैंक, 20 ml प्रति जो हमारा 15 लीटर का स्प्रे टैंक होता है उसमें आपको 20 ml ये दवाई लेनी है। अगर हम बात करें एकड़ की तो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका दवाई का उपयोग करना है। और अगर आप इसको 2,4-D या अन्य किसी भी खरपतवार नाशक के साथ में मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं तो आप इसका डोज कम कर सकते हैं, जैसे कि 10 से 15 ml पर टैंक या फिर हम कहें 100 से 150 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है। मैं आपको बता दूं, 1 एकड़ में हमें 10 स्प्रे टैंक का स्प्रे करना चाहिए बेहतर परिणामों के लिए। जब भी आप दवाई का स्प्रे करें तो खेत में नमी जरूर देखिए, खेत में नमी होगी तभी खरपतवार नाशक दवाई काम करेगी, अन्यथा खरपतवार नाशक दवाई फसल में भी झटका पहुंचा सकती है, फसल को भी आंशिक रूप से डैमेज कर सकती है, आंशिक रूप से खराब कर सकती है। यह आप महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण बातें की तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चौड़ी पत्ती वाले तमाम खरपतवारों को ये नष्ट करती है। और अगर इसको आप किसी दूसरे खरपतवार नाशक के साथ में मिलाते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में 2,4-D या साथी की पुड़िया या फिर और किसी खरपतवार नाशक के सामने जो भी धान में रिकमेंड कर रखे हो उन सबके साथ में मिलाकर करते हैं तो ये धान में किसी भी तरह का खरपतवार उगने नहीं देते हैं और उग जाता है तो उसे नष्ट कर देते हैं। इसका असर 10 से 15 दिन तक बना रहता है। ये खरपतवार नाशक दवाई है तो इसके साथ में केवल आप दूसरी तरह के खरपतवार नाशक दवाई ही मिला सकते हैं, अन्य कोई कीटनाशक या अन्य कोई फंजीसाइड या अन्य किसी भी तरह की दवाई आपको इसके साथ में नहीं मिलानी है, इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नमी में ही आपको खरपतवार नाशक दवाई करनी है, अन्यथा फसल में भी झटका पहुंच सकता है। और अगर हम बात करें 2 से 5 पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होते हैं वो उगने के बाद ये अगर आप स्प्रे करते हैं तो उनको भी ये खत्म करता है और इसका असर 15 से 30 दिन तक बना रहता है। 30 दिन तक जब रहेगा जब पर्यावरण इसके हिसाब से अनुकूल हो, अन्यथा आप ये मान के चलिए 15 से 20 दिन तक तो इसका असर रहता ही है। पानी का लेवल टूटना नहीं चाहिए इस दवाई को करने के बाद, 2 दिन बाद आपको वापस पानी भरना है। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर हम बात करें सावधानियों की तो दोस्तों, दवाई कोई सी भी आप करें सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये दवाई महंगी दवाई है, कॉस्टली दवाई है, इस दवाई को आप कभी भी डायरेक्ट उपयोग ना करें। पहले एक बाल्टी में, एक साफ बाल्टी में पानी भर लें और उसमें आप इसका घोल बना लें और जितना ml आपको दवाई लेनी है उतनी ले लें और फिर उस घोल बनाए हुए को आपको ग्लास के माध्यम से टैंक में डालना है, क्योंकि महंगी दवाई है, हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें जायर बिल्कुल भी नहीं करना है दवाई को। बच्चों को हमेशा दवाई की पहुंच से दूर रखें,
कभी भी हमें खाली पेट खेत में नहीं जाना है, घर से खाना खाकर ही जाना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखना है जब भी दवाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हवा से विपरीत दिशा में कभी भी हमें स्प्रे नहीं करना है, वरना वो जो स्प्रे है हमारे ही शरीर पर आकर लगेगा या इधर उधर खेत में जाएगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, बेहतर परिणामों के लिए नैपसैक स्प्रे पंप फ्लैट फैन नोजल के साथ में उपयोग करें। और दवाई कभी भी जब आप पूरा उपयोग कर लें तो उस दवाई के डिब्बे को, खाली डिब्बे को वहीं पे नष्ट करके और जमीन में गाड़ के आ जाएं, उसे कभी भी हमारे साथ में हमें नहीं लाना है। ये थी तमाम जानकारियां टैगविन के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे नोवा सुपर दवाई के बारे में, बहुत ही जबरदस्त खरपतवार नाशक है ट्रॉपिकल एग्रोसाइंस का, और इसके बारे में आपको तमाम जानकारियां देंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन का बटन तो दबाना ही है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अवेयर करते रहें और आप भी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, आपका और मेरा साथ यूं ही बना रहे, और नमस्कार।